ये कौन सा भाई पूछ रहे हैं? ये मुद्दों में है, इससे गरिमा गिर रही है यहाँ पर, और ये सब मिलकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को परेशान करने का काम हो रहा है यहाँ पर अनधिकृत रूप से। आप बात सुने पहले, पूरी आप पहले मेरी बात सुन ले, आप पहले जब आपने बोलने का मौका दिया तो सुने भी ना आप, थोड़ा सा मुद्दों पे तो बोल रहे हैं, मुद्दों पे आ रहे हैं, आप भी डायरेक्ट मुद्दे पे आएगा, आपने भी तो भाषण दिया पहले, हमारी भी बात सुने थोड़ा सा। अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण को अतिक्रमण बता के एक और बात बता दूं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस के साथ बीजेपी कांग्रेस की नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के लोग, ये समझ की बात है, वही होगा जो बाहर हो रहा है, मीटिंग में वही होगा जो बाहर से, जैसी सरकार बाहर चल रही है वैसी मीटिंग होगी। और अच्छा अभी आपसे मेरा अनुरोध है कि मुद्दों पे जो इशू है, मैं इशू ही बता रहा हूँ आपको, आप तो क्या है औपचारिकता करने आए हैं क्या आप यहाँ पर? अभी आप बात को सुनो पहले हमारी, मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है? मुझे मुद्दे बता रहा हूँ आपको जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसके कारण पूरा शहर टेंशन में है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्माण जो है अवैध बता के तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर वसूली करने के लिए घूम रहे हैं, यहाँ पर लोग जा रहे हैं वहाँ पे वसूली की बातें कर रहे हैं, इतना पैसा दे दो, आपका अतिक्रमण के नाम पे जो नोटिस दिया उसको हम वापस ले लेंगे, ये कार्रवाई चल रही है। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, आपने इंडस्ट्री की जांच करवाई? आप जैसा मेरे को सांसद जी, हमारा अध्यक्ष का अपमान नहीं होगा ये सैनिक कार्य, ये आप गलत बात कर रहे हैं, अध्यक्ष का अपमान करना ये बात अच्छी बात नहीं है, सदन की गरिमा होती है, आप व्यवस्था कीजिए, ये पार्टी का क्या अपमान है हमारी, ये भी चलेगा बिल्कुल, पार्टी की बात पार्टी को चलना, हमको आता कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूँ यहाँ पे,
किसी ने आगे यहाँ बिठा दिया ऐसा यहाँ पे यहाँ से ये क्या तरीका है आपका क्या बोल रहे हैं आप बोल क्या रहे हैं बिठा के बाहर कर सकता हूँ सांसद हूँ यहाँ सांसद है तो आप देवासी जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ हूँ आवाज हूँ मैं ये किसी भी बात की जनता की आवाज पटवारी का अपमान किया ध्यान रहे ये जहाँ जहाँ जाए जिस जिस गांव में उसको याद रखना चाहिए और मेरी जरा वीडियो बनाओ मेरी प्रार्थना है जो जो व्यक्तिगत है उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है इसका सबक कोई अपमान सही समय पे इसको सिखाना है मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और ये बस ठीक है जाओ अब आप अपमान कर रहे हैं चलो देवास शाजापुर लोकसभा के 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने मुझे चुना जब जिला योजना समिति की बैठक में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो सेटिंग अरेंजमेंट था वो एज पर प्रोटोकॉल नहीं था वहाँ पे कुछ अनाधिकृत लोग भी बैठे हुए थे जो अपने आप को सज्जन वर्मा का प्रतिनिधि बता रहे थे जबकि मंत्री स्वयं राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है ऐसी स्थिति में किसी भी मंत्री का कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता ऐसे अधिकृत लोग वहाँ पर जिस सेटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए थे वास्तव में वो सीट मेरी थी मैंने जब उनसे निवेदन किया कि यदि आप चाहते हैं कि मैं मीटिंग में बैठूं तो मुझे सही उचित स्थान प्रदान किया जाए क्योंकि यदि मैं किसी गलत सीट पर बैठता हूं तो ये देवास शाजापुर लोकसभा के उन 17 लाख मतदाताओं का अपमान होगा जिन्होंने मुझे चुनकर यहां पर भेजा है मैंने जनहित के मुद्दों को उठाया जिस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के निर्माण कार्य को अतिक्रमण बताकर हटाया जा रहा है उस मुद्दे को जैसे ही मैंने उठाया तो जीतू पटवारी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो भड़क गए उनका ये कहना था कि आप यहाँ पर केवल विषय पे बात करें मैंने बोला कि जो भी बाहर चल रहा है वो सब विषय है आप प्रभारी मंत्री हैं मेरी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं आपको इस मामले में अवगत कराऊं इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई है तो आप उसकी शिकायत करें मैं उस पर कार्रवाई करवाऊँगा मैंने जैसे ही गंगा इंडस्ट्री नाम की एक इंडस्ट्री जिसकी लगातार मेरे पास शिकायत आ रही है मैंने शिकायत किया कि गंगा इंडस्ट्री की जांच करवाई जाए क्योंकि लगातार शिकायत आ रही है कि गंगा इंडस्ट्री ने अतिक्रमण किया हुआ है इसी बात को लेकर सज्जन वर्मा जो कि कमलनाथ के दलाल हैं उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा हुआ था जिसका नाम मुझे याद नहीं है वो भड़क गया और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि आप गलत बात बोल रहे हो और आप जाँच करा लो और ये करा लो वो करा लो मैंने कहा भाई मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ यदि कुछ भी गलत होता है तो उसके संबंध में मैं विधि अनुसार कार्रवाई करूँ जिला प्रशासन का अवगत कराऊँ मैंने जिला प्रशासन को अवगत कराया है इसी बात को लेकर मंत्री और वहाँ पर जो सज्जन वर्मा का अनाधिकृत प्रतिनिधि बैठा हुआ था उनके बीच और मेरे बीच थोड़ी सी कहासुनी हुई बाद में एजेंडा अनुसार मीटिंग कंप्लीट हुई जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनके लोगों ने जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखा था कि चूंकि मैंने गंगा इंडस्ट्री का नाम लिया उसकी जांच कराने और अतिक्रमण हटाने की बात करी थी तो उन्होंने मुझे काले झंडे दिखाना शुरू किए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए
हमारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे लोगों ने भी जो प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी थे उनको काले झंडे दिखाए, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करी और बताया कि कांग्रेस जो भी अत्याचार अनाचार देवास में कर रही है, देवास की जनता को जो छल रही है, देवास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो छल रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी का ये कहना है कि लगातार तीसरी मीटिंग में आपने विवाद किया, आपकी भाषा अमर्यादित रही है हर हमेशा, और उनका ये भी कहना है कि उनमें सांसद जी ने ध्यान रखना चाहिए कि वो 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस सदन में, संसद हो या विधानसभा हो या जिला योजना समिति की, यहाँ पर सब बराबर। जीतू पटवारी जी के YouTube पे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि वो कितने शिष्ट व्यक्ति हैं। अभी अभी एक वीडियो उनका आया था जिसमें वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे। वो केवल सरकार चलाएं, और सरकार यदि कोई अनाचार करती है, अत्याचार करती है, कोई अनैतिक काम करती है, तो उसको उठाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते महेंद्र सोलंकी की है। और यदि मैं किसी आवाज़ को उठाता हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी भाषा शैली सही नहीं है, तो शायद उनकी कार्यशैली में ही और उनके समझ में ही इस बात की गड़बड़ी है। मैंने आप लोगों की जिला योजना की मीटिंग थी, हमारे सांसद महोदय कुछ मिनट लेट आए, जैसे ही आए उन्होंने कहा कि मेरी बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष के पास होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक जनप्रतिनिधि का अपना अपेक्षा होती है, हो सकता है। हम जितने जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता चुन के भेजती है, वो जनता के वोट से चुन के बड़ा बनता है, एक जगह पहुंचता है और उस पद की एक मर्यादा होती है, वो सबको रखना है। वो एज ए मंत्री मुझे रखना है, एज ए विधायक विधायकों को रखना है, एज ए सांसद सांसद को रखना है। मेरा मानना है कि सारे जनप्रतिनिधियों को कैसा कार्य व्यवहार अपनी बात रखने का होना चाहिए, इसमें थोड़ी सांसद जी में इस विचार की कमी दिखी। लगातार 3 मीटिंगों में हर बार की तरह विवाद करना और मुद्दों पर बात नहीं करना, मैं मानता हूं कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है। मेरा आग्रह आपके माध्यम से उनसे, सांसद महोदय से, कि आप अब व्यक्ति नहीं हो, आप पूरे लोकसभा के एक एक वोट देने वाले चुने हुए आपको चुन के भेजा उसकी आवाज़ हो, तो आपका कार्य व्यवहार, आपकी शैली, आपकी भाषा, आपका काम करने का तरीका उन लोगों का सम्मान या अपमान करता है। मैं मानता हूं कि सांसद महोदय, आज की घटना के बाद हमने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि हर सदन की एक मर्यादा होती है, वो चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला योजना की मीटिंग हो, एक एडवाइजरी सारे सदस्यों को मिलेगी। यहाँ जब अंदर बैठता है सदस्य जो नियम और कानून से बंधा हुआ होता है, वो चाहे जनपद सदस्य हो, पार्षद हो या जिला पंचायत का सदस्य हो, वो सारे सांसद या विधायकों के समतुल्य होता है, कोई उससे नीचे या ऊंचे नहीं होता, सदन में सब एक जैसे होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसकी पालना हम सबको करनी चाहिए, सांसद जी से भी अपेक्षा है, उनको भी करना। सबक सिखाया क्या, अपमान किया है सांसद जी ने, अपमान किया है आपने, कहा सबक सिखाने की बात की, कहने सबक सिखाने या काले झंडे दिखाए सांसद। मैंने ये कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू तू तेरा तू करेगा बार बार, सांसद जी बार बार इस तरीके से भाषा बोल रहे थे, हाथ और उंगली दिखा रहे थे, वीडियो में आप लोगों के आ गया होगा, तो मैंने कहा कि ये किस पद की गरिमा होती है। तो फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिए उसको लेकर मैंने कहा कि ये ऐसी भाषा बोलना किसी पद के लिए नहीं होता है, आप इसकी अपेक्षा आपसे नहीं थी, आप जज की भूमिका से यहाँ आए हैं, पर मेरा मानना है कि ये जनता देख रही है और जनता हमारा सांसद कैसा हो ये तो अधिकार है जनता का, हमारा सांसद कैसा हो वो जनता ने देखा कि हमारा सांसद ऐसा है, तो मैं समझता हूँ हर जनता ने जिनने वोट दिया उनको भी दुख होगा। ये पार्टियों का मामला नहीं है, ये पार्टी से ऊपर उठकर एक जनप्रतिनिधि के व्यवहार का मामला है, और जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है, वो पार्टी के नहीं होते हैं, वो समाज के होते हैं, वो जनता के होते हैं। ये पार्टी तब तक होती है जब तक चुनाव चलते हैं, चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि जनता का होता है,
ये भावना सांसद महोदय में आनी चाहिए। कुत्ता से क्या बोलते? डॉग। डॉग। बिल्ली से क्या बोलते? कैट। क्या बोलते? कैट। मच्छी से क्या बोलते? फिश। बकर मुर्गा से क्या बोलते? हेन। मुर्गा से चिकन। ये बुंदेलखंड एरिया सूखा एरिया है, यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है। लोगों का फार्म जो है, जो जितनी फसल है वो सही नहीं हो रही है पानी की कमी की वजह से। तो हम लोगों ने कुछ सोचा कि कुछ हम कर सकते हैं। शुरू में इस पेंटिंग को दीवारों पे बनाते थे, बाद में जब इनको बताया गया कि आप इसको पेपर पे भी कर सकते हैं, देन उन्होंने फिर इसको स्टार्ट किया। यहाँ की औरतों के लिए कुछ काम नहीं था पहले, तो दादी वगैरह ने भी किया, बुआ जी ने भी किया हमारी, तो बुआ जी से हमने सीखा थी। भैया लेके आते हैं, वो दिखाते हैं, उन्हें पसंद आती है तो वो लेते हैं। मेरे को कोई नहीं सिखाया, मैं अपने दिमाग से सीखी सब। चकाई बना लेती, रस्सी भी बना ले, चूल्हे चकिया सब बना लेती। उसको मालूम है कि कौन चीज कहाँ मिलती, आते चले। फैमिली में आठ है और जो खत्म होती जा रही है उसको हम लोगों ने थोड़ा बचा के रखा है और हम लोग चाहते हैं कि इस आठ को और आगे तक लेके जाएं। Mm-hmm.